नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एओसी का मॉनिटर आया है जो कि 20 इंच का है। तो गाइज, इसे कैसे ठीक किया जाते वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कभी नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के पैनल में जाता है। लेकिन ये जो पिक्चर नहीं आ रहा है, इसका इशू सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है, और इसे करने के बाद आपका ये मॉनिटर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर ठीक जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, पूरा का पूरा लाइन लाइन। ओके, तो चलिए इसे खोलते हैं। तो इसे सिंपली आप ओपन कर सकते हैं ऐसे। ओके, तो गाइस ये ओपन हो चुके हैं। और ये कई बार रिपेयर हो चुके हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका सब लॉक सील जो लॉक होता है ये सब टूटा हुआ है। ठीक है, ओके। तो देखिए, ये एक कनेक्टर है डिस्प्ले का, और सिर्फ एक ही लाइन है एलईडी एलसीडी का, बैकलाइट जो है बैकलाइट का। और ये अब ओपन हुआ है। तो ऐसी प्रॉब्लम में आपको दोनों जगह पे काम करना पड़ता है। तो देखिए, ये है आप मॉनिटर का SMPS, मतलब पावर सप्लाई, टीवी में रहता है सब कुछ, टीवी लैपटॉप की जो पैनल होता है उसमें ये कॉमन चीज होता है, सब पैनल में ये कॉमन चीज होता है। ठीक है, और ये सिर्फ टीवी में और LCD मॉनिटर में रहता है ये पावर सप्लाई, और ये लॉजिक कार्ड मॉनिटर में और टीवी में भी रहता है। तो ये लॉजिक कार्ड में और यहाँ पे ये जो बोर्ड है पैनल की पीछे, मतलब LCD पैनल की पीछे एक बोर्ड है, तो उसके उसको भी थोड़ा सा काम करेंगे उस पे, और इसमें भी थोड़ा सा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये खोलना होगा VGA केबल का जो नाट होता है, दो कनेक्शन का VGA केबल कनेक्टर का ये नाट खोलेंगे। ठीक है, और इसे भी खोलेंगे। तो अब देखिए, ये बोर्ड मैं ओपन कर दिया। तो अब यहीं पे ये जो लॉक है इसे थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, इस लॉक को। ठीक है, गौर से देखिए तो आपको इसमें प्रॉब्लम दिखाई देगा, है ना। और इसमें भी प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा थोड़ा सा, तो इसे साफ करेंगे थिनर से, नहीं। ठीक है, तो वेट कीजिए थोड़ा सा, मैं दिखाता हूँ।
तो गाइज यहाँ पे आप एक तो यहाँ पे रबर यूज कर सकते हैं और दूसरा तो एथिनर नहीं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल या फिर रेक्टिफायर स्पिरिट, ठीक है, ये दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन थिनर एकदम मना है यहाँ पे। मतलब कि जो इंजेक्शन लगाने के बाद देते हैं ना दवाई खाना में, तो ये देखिए सबसे बढ़िया इसमें ये क्लीन होता है। क्लीन हो रहा है। और इस पत्ते को क्लीन करने के बाद ये पैनल पे आपको जाना होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा चीज इसके बारे में समझा देता हूं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा था तो ये बोर्ड की वजह से आ रहा था, ठीक है। तो ये बोर्ड में अगर कोई दिक्कत है तो आप उसे रिपेयर, मतलब बोर्ड में नहीं सॉरी ये केबल में, बोर्ड का जो केबल लगता है ना यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार कनेक्शन है देख सकते हैं आप, तो इसी कनेक्शन में कोई गड़बड़ी हुई है तो वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन बोर्ड अगर बेंडिंग की वजह से हो रहा है तो वो आपका शायद ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस कभी कभी यहाँ पे एमएलसी कैपेसिटर वगैरह खराब हो जाते हैं, तो उसे हम लोग चेक करेंगे। तो बाजार मोड में एक बार जाएंगे, जाके चेक करेंगे। तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए पतंजलि से चेक करते हैं।
तो गौर से देखिए, ये दो कैपेसिटर MLC, इसमें एक तो बर्न हुआ है लेकिन उसका वैल्यू नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए, प्रॉब्लमेटिक है ये और ये, और लगभग सभी सही है। तो ये सब मैं चेंज करके, ठीक है, मैं चेंज करके चेक करूंगा। तो गाइस अब देखिए, यहाँ पे मैं चार कैपेसिटर जो मेरे को प्रॉब्लम लग रहा था तो उसे मैं निकाल दिया। ओके, किसी में भी शॉर्ट सर्किट है नहीं, तो यहाँ पे स्कैन मोड में जाके हम इसे चेक कर सकते हैं। ओके, फोर पॉइंट फोर टू माइक्रोफेरड है, सही है, 4.32, थोड़ा सा कम है। इसमें कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे टच करके रखा हूँ, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, ये अभी चेंज हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा कभी कभी। अच्छे से एक बार देख लेते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक को लगाना होगा यहाँ पे। तो ये पुराना बोर्ड से निकाल के लगाएंगे। ये देखिए 22 माइक्रोफैरड है, सब 22 माइक्रोफैरड का है। ये देखिए एक मिला है 4.6
7-8, तो इसे लगाएंगे। ये 5, तो इसे साइड में रखते हैं और ये 3 नहीं चलेगा क्योंकि ये हाई माइक्रोफैरड का है। ओके, तो कुछ बंदा ऐसा है कि वो सोचेगा कि हाई लगाने से क्या प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसे लगा देते हैं। और ये हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 4 स्क्रू था, तो इसे लगाएंगे, लेकिन मेरे को नहीं दिखाई दिया, मतलब किसने खोला इसे, तो वो लगा के इसे चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई देखिए, अब ये पूरा का पूरा तैयार हो चुके है, लेकिन इसका जो ये लाइन है, ये लाइनिंग, ये नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए इससे अच्छा नहीं होगा, इससे अच्छा अगर आप चाहते तो पैनल को चेंज करना होगा। ओके,